नमस्कार मिलिट्री छात्रों, आज मैं आप सभी के सामने संस्कृत शब्द रूप का परिचय कराने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण विच्छेद व संयोजन किए थे, हम सबको पता था कि जब वर्ण विच्छेद हमने किया था, अंत में जो अंतिम स्वर है उसके आधार पे उसके नाम पड़े थे, जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत इत्यादि। तो आज मैं अपने इस कक्षा में आपको उसी आधार पे शब्द रूप बनते हैं वो बताऊंगा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके अनुसार ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात आती है शब्द रूपों की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, शब्द रूपों में, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी या अन्य भाषाओं में दो लिंग होते हैं। क्या होते हैं? दो लिंग होते हैं, परंतु संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इन तीनों लिंगों का आधार क्या है? मैंने आपको कहा था, इन तीनों लिंगों का ही आधार होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। संस्कृत में इन तीनों का आधार होता है वर्ण। वर्ण यानी बेटा, कहने का भाव यह है कि जिसके अंतिम में वर्ण अ हो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। और जिसके अंत में आ हो वो क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग, जैसे महिला, लेखिका, पाचिका इत्यादि शब्द। इसी प्रकार जिसके अंत में माँ हो, हलंत हो, वे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग, जैसे फलम, पुस्तकम, वस्त्रम, नेत्रम इत्यादि। आपको आने वाली कक्षाओं में अनेक शब्दों के संस्कृत शब्द परिचय कराऊंगा, परंतु आज मैं बता दूं, हम तीन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो लिंगों पे डिस्कस करेंगे, दूसरा डिस्कस करेंगे हम लोग कि उनके वचन कैसे होते हैं, और तीसरा लिंग वचन के अलावा इनके रूप किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से रूप चलते हैं, या समानांतर कैसे अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। और आज इसके अंत में हो क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग। परंतु एक शब्द है, प्रायः संस्कृत में हमें विसर्ग देखने को मिलता है, इस प्रकार से दो डॉट, जैसे राम, गणेश, सुरेश इत्यादि। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग। ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। और जिसके पीछे आ हो, वैसे शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और जिसके पीछे मैंने आपको कहा ना कि माँ हलन, तो वो क्या जाते हैं? पाए जाते हैं शब्द आपके नपुंसक लिंग। अब मैं आपको ये चीज तो अभी आराम समझा दिया, अब हम इसका प्रयोग भी देखेंगे। ऐसे क्या होते हैं? नपुंसक लिंग। चलिए आगे मैं इनके कुछ प्रयोग दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द में मैंने यहाँ पे आपको ये तीन शब्द दिखाए हैं, बालह, छात्रह, नरह। सामान्य तौर पे जब भी हम प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे तो अंत में स्वर क्या होगा? अ। यहाँ देखिए, याद करने वाली चीज है अ, और अ के पीछे विसर्ग। यहाँ पे क्या है? सेम वही अ है और विसर्ग है। यहाँ पे भी क्या है? अंत में अस्वर है और विसर्ग है। इस प्रकार से ये पता लगता है कि ये शब्द पुल्लिंग के हैं। अब ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द कुछ हमारे। जैसे स्त्रीलिंग शब्द में सबसे बड़ी मैंने आपको बात बताई थी, वर्ण विच्छेद करते समय जब अंत में आ हो तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पहचान थी? अंत में आ, तो यहाँ क्या है? अंत में आ। यहाँ पे भी क्या है? आ, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द सारे स्त्रीलिंग होते हैं। और ये जो शब्द है ई, इसकी चर्चा मैं अंत में करूँगा, आखिर ऐसे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हमारे लक्ष्मी, नारी, ऐसे शब्द होते हैं हमारे, पार्वती इत्यादि शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। आगे इसके हम देखते हैं अभी अकारांत शब्द, अकारांत, आकारांत। अब यहाँ नपुंसक लिंग शब्दों की बारी आती है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था अंत में यहाँ पे म हलंत है, ये बात ठीक है,
परंतु इस हलंत व्यंजन से पहले पूर्व में क्या है, यानी ऐसा शब्द जब हो, यानी अकारांत नाम क्यों है अ, और अंत में यदि म हो प्रारंभ के अवसर में, तो ऐसे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। और इसको अकारांत नाम क्यों कहा गया है, इस वजह से, ये आज हम बात कर रहे हैं अकारांत स्वरों की, यानी अकारांत के आधार पे उनके लिंगों का निर्धारण, सिर्फ अ का अ आ इत्यादि, इस हिसाब से इसका नपुंसक लिंग शब्द हुआ। प्राय ये आपको जैसा सब में पता ही होगा, जो ना स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। परंतु संस्कृत में देखो, इसमें भी वही है, परंतु संस्कृत में कहा जाता है कि अंत में यदि विसर्ग हो तो पुल्लिंग होंगे, अंत में आ हो तो वे स्त्रीलिंग होंगे, और अंत में मा हो तो वे नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे फलम, पत्रम, पुस्तकम, नेत्रम इत्यादि। अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक से भाव है संख्या में कोई भी एक हो वो, और दो से भाव है संख्या में वो दो हो, और तीन बहुवचन का अर्थ है तीन या तीन से अधिक कुछ भी हो, सभी के सभी बहुवचन होंगे, कोई भी संख्या हो सब के सब बहुवचन होंगे। अब यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का विस्तार चर्चा करते हैं। पुल्लिंग में क्या होते हैं, इनके ऐसे सेंस चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अब ये रूप है, यानी इसके अंत में अ है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, विसर्ग है तो जैसे बालह शब्द हुआ आपका पुल्लिंग, ऐसे नरह शब्द होता है, ऐसे अश्वह, ऐसे ही मृगह शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो उन सभी के द्विवचन में ऐसे ही बनेंगे, तो जैसे यहाँ बालौ द्वि में क्या वचन है, औ, तो वहाँ होगा अश्वह अश्वऊ, मृगह मृगऊ, बालह बालौ, इस प्रकार से चलते हैं। इसका मतलब क्या, एक बालक, इसका अर्थ दो बालक, और बालह इसमें नहीं, एक अ की मात्रा और विसर्ग, ये मिलके क्या हो गए यहाँ पे, अनेक बालक। इस प्रकार से अनेक प्रयोग हम स्वयं भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्या ध्यान कर रहे हैं कि जो पुल्लिंग शब्द है, बालह अश्वह मृगह इत्यादि शब्द हमें इकट्ठा करके रखना है और उनका बारी बारी प्रयोग करना है। अब यहाँ ये देखिए, मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको स्त्रीलिंग शब्द दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए शिक्षिका, यहाँ इसके मतलब है कि एक शिक्षिका, हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, जो मूल शब्द वही लिखा हुआ है शिक्षिका, शिक्षिके में हमने यहाँ ए लगाया, तो हमें हर एक स्त्रीलिंग शब्दों में यहाँ ए लगाना है द्विवचन में, इसका अर्थ है दो अध्यापिकाएं। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक विसर्ग लगाया, तो हमें इस विसर्ग को हमेशा स्त्रीलिंग के बहुवचनों में लगाना है, चाहे लता हो, महिला हो, लेखिका हो, कोई भी हो। तो रूप क्या बनेंगे, लेखिका, लेखिके, लेखिका, एक लेखिका, दो लेखिका, लेखिकाएं, अनेक लेखिकाएं, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप चलते हैं किस प्रकार से, ये कौन से हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये मैं नपुंसक लिंग की बात कर रहा हूँ, ये किस प्रकार से रूप चलेंगे, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इसमें कॉमन है प्रथम शब्द, आपको जो रूल बताया उसी अनुसार होगा। बाकी हम क्या ध्यान देना है, इसमें ये आता है, इसमें आनी आता है ना, इसमें क्या आ गया, आनी, पुस्तकानि, ऐसी अनेक शब्द हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी, इस प्रकार से बच्चों अनेक प्रकार के शब्द इसमें भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने तीनों लिंगों को समझा और तीनों वचनों को समझा है, और मेरा मानना है हमें इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द अनेक लिख के रखने हैं ताकि हम इसका प्रयोग कर सकें। अभी मैं आपको उदाहरण सहित इनके समानांतर या कह लीजिए इन्हीं के समान अन्य शब्दों का भी परिचय कराऊंगा, जिसके माध्यम से हमें पता कर पाएंगे कि अन्य शब्द क्या क्या होते हैं। चलिए अब मैं आपको वह दिखा रहा हूँ इसके समान अन्य शब्द, शब्द रूप में। जैसे देखिए, मैंने आपको कहा था, ये नियम लिख लीजिए आप सभी अच्छे से और आपको बहुत काम आने वाली है, संस्कृत में अंत वाले वर्ण में जो अक्षर, यानी कोई शब्द है, मृग है, अश्व है, चाहे आपका नरह शब्द है या राम शब्द है या बालक शब्द है, किसी भी शब्द के अंत में देखिए क्या है, यानी अंत वाले वर्ण में जो अक्षर है उसी आधार पे उसका नाम होता है, जैसे कि अकारांत और आकारांत। आज हम बात कर रहे हैं इसकी, अकारांत
और आकारांत। तो मेरा मानना है अकारांत अकारांत से भाव है। जैसे हमने नपुंसक लिंग को अकारांत क्यों कहा, उसका मैंने रीजन बताया, अंत में स्वर अ है। और राम है इत्यादि शब्द में क्या है, अंत में स्वर अ है, परंतु वहां वम्मा होते हैं, और आकारांत में अंत में आ होना चाहिए। तो अ और आ इसके मूल उद्देश्य है कि जहाँ आ हो वे पुल्लिंग, जहाँ आ हो वे स्त्रीलिंग। और बहुत हद तक पुल्लिंग और नपुंसक लिंग समान ही रहते हैं, दो ही विभक्तियों में अंतर आता है। इसके बाद कह रहे हैं अर्थात आहो इसी से स्त्रीलिंग बनता है, अतः लिंगों का आधार, यहाँ नोट करने वाली चीज है, लिंगों का आधार वर्ण होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे मैं इसका अभ्यास करा रहा हूँ आपको। अभी हम इसके दूसरी परिभाषा और देखेंगे। हमने पिछली कक्षा क्लास में, मैं जिसे कहना चाह रहा था, वर्ण विच्छेद किया था। वर्ण विच्छेद में जब राम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें नवीन स्वर क्या है, अंत में आ, और लता में क्या है आ। तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो आज आपको मैंने बता दिया स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, जिनके पीछे आ होते हैं, और पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, जिनके पीछे अ होता है, और नपुंसक लिंग में क्या होता है, माँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको मैं इनके अन्य उदाहरण दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वचन तो बता ही दिया था, अब हम इस प्रकार से अभ्यास भी करेंगे। इनका क्या करेंगे, अभ्यास। अब नर शब्द है तो कैसे इसके वचन बदलेंगे, मान लो एक नर है, दो नर है, तीन नर है, तो कैसे लिखेंगे। जैसे हमने प्रथम में लिया नर, फिर ले लिया हमने, फिर हमने ले लिया नरऊ। आप लोग इसको उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे इस प्रकार से अभ्यास। फिर अगंत में क्या हो जाएगा, सेम कोशिश है, नराहा, यानी हमने जो हमने तीनों वचन के रूल देखे थे वो यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे विसर्ग आया सिंपल, और विसर्ग यहाँ अव, यहाँ आ। इसी प्रकार बालक शब्द होगा तो बालकः, बालकौ, बालकः। अश्वगत अश्वः, अश्वौ, अश्वः। गजवत गजः, गजौ, गजः। आप इसी प्रकार से अन्य शब्दों के भी अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अब यहाँ पे आ गया, हमने वहाँ पे शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका किया था, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। एक वचन में क्या होगा, लता शिक्षिका की तरह, फिर हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, हम लोगों को ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं। चलिए तो हमने करना है यहाँ पे लता, ठीक से। फिर द्विवचन में क्या हो जाएगा, लते। फिर बहुवचन में क्या होगा, लता। हमने ये यदि सीख लिया ना तो समझ लीजिए 50% हमें संस्कृत बोलनी आ गई है। अब क्या है, उसमें बस ती लगता है सभी में प्रथमा में। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के वर्णन कर रहा हूँ। हमने क्या क्या था, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। इसी प्रकार यहाँ देखिए हमने फलम शब्द लिया, तो यहाँ क्या हो जाता है, फलम। ऐसे में इसके रूप लिखेंगे वचन द्विवचन में, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। इसी प्रकार सारे रूप चलेंगे तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी, इत्यादि रूप नपुंसक लिंग में चलते हैं, यानी एक पुष्प, दो पुष्प, अनेक पुष्प, एक फल, दो फल, अनेक फल। अब मैं आपको इसका नियम कुछ बता रहा हूँ जो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। शब्द रूप में क्या होता है, आपको ये नियम यहाँ से आप नोट कर लो, अंत में यदि किसी भी शब्द में यदि र, री और श वाले शब्द में इस नियम के अनुसार न को ण हो जाता है, यदि किसी शब्द में न और न का विचार किया जाए, आगे मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगा फर्क पड़ता है। मान लो कोई शब्द है राम, तो इसके अंत में राम शब्द में हमारा क्या, कौन सा शब्द है यहाँ पर, कौन वर्ण विच्छेद करते, इसमें र आया,
ऐसे शब्दों के बारे में नियम बता रहे हैं कि ऐसे कोई वाक्य में किसी शब्द में ये ना हो तो वह किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। यहाँ बात इसकी आ रही है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा यहाँ ये इसमें बदल जाएगा, इसी प्रकार हमारे एक शब्द है मान लो पत्रम, इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या है हमारा त हलन प्लस र, तो ये रूल अप्लाई होगा होगा ना। तो जब हम इसका बहुवचन करेंगे, बहुवचन करेंगे तो वहां होता है पत्रानी, तो फलम फले फलानी में तो ये वाला नी होगा जो आप देख पा रहे हैं, परंतु यहाँ पे क्या होगा इस नियम से यहाँ पे त र आ गया, ये वाला र आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा पत्राणी। इस नियम को लिखना बहुत जरूरी है, हम अक्सर यहाँ गलतियां करते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को ऐसी गलती ना हो। अब मैं कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ, एक दो नपुंसक लिंग, ताकि आपको ज्ञात हो जाएगा कि नियम बहुत जरूरी है, यानी किसी भी शब्द में र ऋषा हो तो न को अण हो जाता है। यहाँ देखिए बिल्कुल ठीक, मैं जो समझाना चाह रहा था ये पोर्शन समझाना चाह रहा था, यहाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वर्ण को करते समय, विच्छेद को करते समय कहीं पे भी इस शब्द में र नहीं आया। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, फ हलन प्लस अ, फिर ऐसे फ हो गया, फिर ल, फिर ऐसे ही ल हलन, फिर आ प्लस कर लेंगे, फिर आ हो जाता है, और फिर इन सभी वर्ण में यहाँ तक फलानी में कहीं पे भी र मूर्धन्य श या री नहीं आया है। ये तीनों चीज इस शब्द में नहीं है, इसलिए इसमें नी बिल्कुल ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, अब मैं अकारांत नपुंसक लिंग का दूसरा उदाहरण दिखाऊंगा जिसमें कि अण का प्रयोग होगा। किस तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये प्रयोग हुआ है, तो देख लीजिए हुआ है ना, इस वजह से इस ना को अणि हो गया और यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नपुंसक लिंग बनाते समय इस चीज का ध्यान देंगे, प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम विभक्ति जो होती है इनमें ये होती है। तो आज मैंने आपको प्रायः शब्द रूप के तीनों वचन बताए हैं और आपको अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के इस प्रकार से अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे न और अण सब होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप इस प्रकार का प्रयोग स्वयं करें, एक बार नहीं अनेक बार करें। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, आप इस नियम को अच्छे से नोट कर लेंगे जो मैंने आज बताए। इस प्रकार से मेरे सभी प्रिय छात्रों, आप एक नहीं अनेक शब्द रूप अपने आप बना सकते हैं और यह बिल्कुल सरल तरीका है, और कृपया करके इस तरीके को अपनाएं और एक नहीं अनेक शब्द रूप बनाएं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।